चैनल। सो फ्रेंड्स, खाटू श्याम दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे बालाजी टेम्पल, जो कि मेहंदीपुर में स्थापित है। बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहाँ भी लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग ने भी यही मौके पे खाटू श्याम दर्शन करने के बाद इधर से ही हम लोग बालाजी गए थे, और आप लोगों को भी मैं साथ साथ में लेके जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं सब कुछ वीडियो पे मेंशन कर रही हूँ। तो कैसा है बालाजी टेम्पल, चलिए देखते हैं वीडियो पे। वीडियो स्किप किए बिना एंड तक बने रहना। सो फ्रेंड्स, अभी जा रहे बालाजी, देख लो आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। ये है पूरा राजस्थान। अभी जा रहे मेहंदीपुर, जो कि बालाजी टेम्पल है, वहां पे जा रहे हैं। अभी बस चुका 35 हो गया, अभी निकल गए हैं यहाँ से। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ एंजॉय करने मिलेगा, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। तो एक की बार एंड में मिलते हैं। देख लो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान का बालाजी जाने के लिए रोड है। देख लो, अच्छा से रोड का एंजॉय कर लो, बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स देख लो यहाँ पे कितना सुंदर और ब्यूटीफुल रोड है, इसीलिए मैंने रोड का थोड़ा वीडियो यहाँ पे ऐड किया है। देख लो आप लोग भी अच्छी तरीका से, ताकि आप लोगों को भी पता चले कितना मस्त रोड है। देख लो फ्रेंड्स, पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ना यहाँ पे कितना नींद लग रहा था मुझे, मैं तो सो रही थी, पापा बाहर का नजरिया देख रहे है। तो देख लो, बहुत ही नींद लग रहा था मुझे, इसीलिए मैं तो सोई पड़ी थी, कार पे ही सोई पड़ी थी। तो वीडियो के एंड तक बने ही रहना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है बालाजी टेम्पल, एकदम अच्छा अच्छा देखने मिलेगा आपको, वीडियो स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स अभी ज्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने ही वाले हैं, उससे पहले कुछ नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का। तो देख लो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे उतर गए हम लोग, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज में भूख लगा था, सुबह से कुछ नहीं खाए थे। और बालाजी टेम्पल के लिए ना खाटू श्याम से बहुत दूर है, 400 किलोमीटर है शायद, तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, भूख लग रहा था बहुत तेज से। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और उसके बाद ही निकलेंगे बालाजी के लिए। वीडियो के एंड तक बने ही रहना आप लोग, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत, जो कभी नहीं देखे हो आप लोगों ने, वो मैं रियल में दिखाने वाली हूँ वीडियो पे, इसीलिए मैं तो घूम के अच्छा से आती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, अभी हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे बालाजी के लिए, क्योंकि इतना तेज भूख लगा था, मेरे से चल ही नहीं पा रही थी, मैं पेट में पेन सा हो रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वहां पे ना एकदम से रियल में आप लोगों को मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, तभी बोल रही हूँ स्किप मत करना, एंड तक बने रहो, मैं तो अच्छा से घूम लेती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ जो लोग बालाजी नहीं जाएंगे, दूर दूर के मेरे फ्रेंड सब है, उन लोग भी वीडियो पे मतलब मन्नत मांग सके और वीडियो एंजॉय कर सके, इसीलिए वीडियो बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे आ गया है चावल, मैं हल्का सा चावल खाई, क्योंकि मुझे रोटी वोटी पसंद नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे हल्का नाश्ता करके निकल गए हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली बालाजी के लिए निकल गए हैं फिर से यहाँ से। देख लो कितना अच्छा और ब्यूटीफुल प्यारा रोड है, मन कर रहा था यहाँ पे उतर के हल्का सा मतलब सेल्फी वोल भी खींच ले। तो हम लोग ने ड्राइवर को बोले हैं कि थोड़ा यहाँ पे कार रुकाने के लिए, तो ऊंचे माउंटेन में जाके फोटो शूट करेंगे दो चार, आप लोगों को भी मेंशन कर रही हूँ, एंड तक बने रहना। देख लो यहाँ पे रोड में पूरा इधर उधर एकदम फोटो शूट हो रहा, इतना सारा माउंटेन है, पूरा राजस्थान माउंटेन माउंटेन, देख लो यहाँ पे। अभी ऊपर चढ़ूंगी थोड़ा सा, यहाँ पे चढ़ूंगी, देख लो पहाड़ पे चढ़ूंगी थोड़ा सा। अरे अरे अरे, एक सिंगल मेरा, अयो इतना ऊंचा है यार, कैसे जाए आप मत आओ। तो फ्रेंड्स रोड का मजा लेते हुए बालाजी पहुंचने वाले हैं। एक बार बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो देख लो फ्रेंड्स यहाँ पे रोड काफी अच्छा है, रोड का मजा लेते हुए हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है आप लोग को। तो फ्रेंड्स
फाइनली हम लोग उतर गए, देख लो गाड़ी से, यहाँ पे अभी गाड़ी पार्किंग में है, यहाँ से जाएंगे, पैदल जाना है, इतना धूप है, देख लो बालाजी के लिए, इतना धूप में अभी जा रहे हैं पैदल 500 मीटर है। सेम खाटू श्याम के जैसे यहाँ पे भी पार्किंग पे गाड़ी लगा रखा है, क्योंकि अंदर जाने का अलाउ नहीं है गाड़ी, तो हम लोग जा रहे हैं बालाजी। तो फ्रेंड्स देख लो, यहाँ पे बालाजी में हनुमान जी के गधा और हनुमान जी के मूर्ति का बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल साइड साइड में दुकानें हैं और प्रसाद की दुकान है। यहाँ पे आपको प्रसाद लेके बालाजी के अंदर एंट्री करना है। देख लो बालाजी मंदिर के सामने पहुंच गए हैं, एंड तक बने रहना। यहाँ पे इतना धूप था फिर भी सभी लोग पैदल जा रहे थे, थोड़ी दूरी में चप्पल उतार के पैदल जा रहे हैं सभी लोग। देख लो आगे आगे दीदी लोग जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। यहाँ पे देख लो ब्यूटीफुल गधा है, हनुमान जी का झंडा है और यहाँ पे हनुमान जी के कुछ तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे दुकान भी है साइड साइड में, देख लो। तो अभी यहाँ के मज़ा लेते हुए थोड़ा सा तो आप लोगों को मैं वीडियो पे मेंशन की हूँ, थोड़ा सा देख लो नज़ारा। तो मंदिर अभी 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, इन तक बने रहो। यहाँ पे उससे पहले बहुत बड़े हनुमान थे पहाड़ में, तो यहाँ पे हम लोग मन्नत मांगने के लिए जस्ट 5 मिनट के लिए घुसे थे। देख लो सीने फाड़ के हनुमान जी ने जो राम सीता को दिखाए थे, यहाँ पे है बहुत बड़ा मंदिर। तो यहाँ पे देख लो बहुत अच्छा अच्छा शॉपिंग करने मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे पहले शॉपिंग करना है, हनुमान जी के लिए प्रसाद लेना है, मूर्तियां लेना है, गधा अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद तभी आप एंट्री करोगे अंदर, नहीं तो अंदर प्रसाद नहीं मिलेगी आपको, जो कि बालाजी को चढ़ती है लड्डू। यहाँ की एक बहुत ही खास बात बताऊंगी फ्रेंड्स आप लोग को, वीडियो बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक बने रहना, शायद आप लोग भी हैरान हो जाओगे सुन के। मैं पहली बार गई थी और मैं भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था मुझे भी सुन के, तो बस आप लोग पहुंचने ही वाले हैं, देख लो एंड तक बने रहना। काफी सुंदर है बालाजी टेम्पल, यहाँ पे देख लो ब्यूटीफुल गधा है हनुमान जी के, बहुत ही अच्छा और बड़ा मार्केट है रोड के साइड साइड में, मंदिर के जस्ट सामने ही। मंदिर में लाइन लगा के अच्छा से जाना है, यहाँ पे प्रसाद ले लिए हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 51 रुपए से 101, 200, 250 इतना तक में प्रसाद का एक पैकेट मिल जाता है। यहीं पे आपको एक पैकेट लड्डू लेना है, क्योंकि बालाजी महाराज को लड्डू चढ़ती है, तो यहाँ पे प्रसाद लेके वो आगे सामने से गेट है, यहाँ से एंट्री करना है। ये ब्लॉग मेरे स्पेशल प्यारे दोस्त लोग के लिए है जो कि बालाजी पहली बार जाएंगे। तो फ्रेंड्स बालाजी टेम्पल के एंट्री करने से पहले यहाँ पे रास्ते में बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल टेम्पल है छोटा सा, जो कि राम जी और सीता जी है। देख लो यहाँ पे सभी लोग मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि इसीलिए बालाजी टेम्पल के सामने राम जी का बहुत ही अच्छा एक राम और सीता का प्यारा ब्यूटीफुल टेम्पल है, क्योंकि राम जी को दर्शन किए बिना बालाजी को नहीं करना है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले राम जी और सीता जी के यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। देख लो यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर में हनुमान का 2 सेना है। तो फ्रेंड्स देख लो मंदिर के अंदर फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं, वीडियो के एंड तक बने रहो, बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल मंदिर है और आगे जा रहे हैं। फ्रेंड्स मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा और सुकून सा फील हो रहा है, बालाजी टेम्पल बहुत ही बड़ा है और आगे अंदर जा रहे हैं सभी लोग, वीडियो के एंड तक बने रहना। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बालाजी के अंदर में बिल्कुल कैमरा फोन अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने आप लोग को वीडियो शो करने के लिए कितना मेहनत से फोन छुपा छुपा के यहाँ पे ब्लॉग बनाई हूँ, आप लोग एंड तक बने रहो। यही है बालाजी टेम्पल, अभी दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स अंदर धीरे धीरे बहुत भीड़ था देख लो, और काफी लंबा है एंट्री गेट भी, वो सामने रहा मंदिर, बहुत ही भीड़ है, आराम से सुकून से दर्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स देख लो यही है ब्यूटीफुल बालाजी टेम्पल, और ऊपर के हिस्सा देख लो कितना प्यारा और ब्यूटीफुल है ऊपर का हिस्सा भी, ये रहा तो ऊपर का हिस्सा है ये बालाजी टेम्पल का।
यहाँ पे सीटी बज रही है ना, इसीलिए सीटी बज रही है। फोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, कैमरा अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, पर भी सभी लोग छुपा छुपा के कर रहे थे। यहाँ पे इधर उधर सब सिक्योरिटी गार्ड है, फोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। देखो लाइन पे लगे पड़े हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये बालाजी टेम्पल का एक बहुत ही अच्छा और खास बात बताने वाली हूँ मैं, जो कि राजबाद है। आप लोगों को भी शायद नहीं पता है, अभी मैं बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और जय बालाजी यहाँ पे टाइप कर दो। देख लो बालाजी टेम्पल में इतना सारा भीड़ रहता है हमेशा ही, तो दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो के आप लोग भी एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया। उधर से हम लोग एंट्री किए थे, ये रहा आउट गेट, इधर से हम लोग आउट हो गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का फाइनली नीचे दर्शन हो गया, तो अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को खास बात और सच बात दिखाने के लिए जा रहे हैं ऊपर। वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लो यहाँ पे भी ब्यूटीफुल सुंदर बालाजी का एक मूर्ति है, यहाँ पे भी पूजा करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लो बालाजी टेम्पल के बिल्कुल साइड में ऐसे लोग रहते हैं कि भूत प्रेत लगा हो या फिर किसी का कुछ किया धरा हो, बाहर का हवा लगा हो, तो यहाँ पे इन लोग आते ही ऐसे मन्नत मांग रहे हैं, रो के सो के। देख लो, तो यहाँ का मानना है कि 100% सही होके ही जाते हैं। कहावत है भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं बालाजी टेम्पल में, सो इन लोग यहाँ से 100% सही होके ही जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने आप लोग को वीडियो पे मेंशन करने के लिए यहाँ पे देख लो वीडियो अपलोड की हूँ। यहाँ की और एक खास बात आप लोगों को मैं बताऊंगी, बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। कितना मंदिर गई हूँ मैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, तो पहली बार सुना मैंने भी, पहली बार देखी हूँ, तो मैं आप लोगों को खास बात बताने जा रही हूँ, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। देख लो यहाँ पे सो के रो के कैसे अपना मन्नतें मांग रहे हैं लोग। देख लो फ्रेंड्स, पहाड़ के ऊपर में भी है। तो फ्रेंड्स, देख लो बालाजी टेम्पल के दीवार पे किस तरीका का अपने हाथों का सभी का यहाँ पे छप है कलर का, तो ये है इसका राज, ये छप पूरा हो जाती है यहाँ पे, उन्हीं लोग ये छप करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बाहर निकल गए टेम्पल से, अभी करेंगे शॉपिंग। तो देख लो यहाँ पे पापा ले रहे तुलसी जी का माला, जो कि 40 रुपीज है, 40 रुपीज में। यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही सस्ता मिलेगा आप लोगों को। तो बालाजी टेम्पल के बिल्कुल साइड में ही बहुत सारे आपको शॉप मिलेगी, कुछ भी आप ले सकते हो, हनुमान जी की मूर्ति या फिर हनुमान जी के लिए गधा धागा और रस्सी माला कुछ भी आप खरीद सकते हो, बिल्कुल सस्ता है, 30-10 रुपए में। तो फ्रेंड्स, बालाजी टेम्पल का खास बात ये है, जो हम लोग ने प्रसाद अंदर लेके गए थे टेम्पल के अंदर, तो वो प्रसाद आप लोग को घर लेके आना नहीं है। और यही हैरान की बात था कि हम लोग सभी को प्रसाद दे रहे थे, कोई भी प्रसाद नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहाँ का कहना है, मानना है कि वहाँ का प्रसाद अगर घर लेके आओगे तो वहाँ का भूत प्रेत आत्मा जो है खुद के साथ आ जाता है, तो इसीलिए प्रसाद लाना बिल्कुल मना है। तो आप लोग भी किसी दिन अगर विजिट करोगे तो वहाँ का प्रसाद घर लेके आना, किसी को खिलाना बिल्कुल सख्त मना है। तो यही मेरे लिए हैरान का बात था, ऐसा कौन सा टेम्पल में होता है, प्रसाद तो हम लोग के लिए मायने रहती है। तो कभी दिन आप लोग भी विजिट करोगे तो कृपया प्रसाद घर लेके ना आए। तो फ्रेंड्स, हल्का फुल्का हम लोग का देख लो शॉपिंग हो चुका है। ये देख लो हनुमान जी का ब्यूटीफुल मूर्ति और धागा माला, ये सब कुछ हम लोग ने खरीद लिए है, अब जा रहे हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स, यही रहा हम लोग के बालाजी दर्शन, बहुत अच्छा लगा बालाजी दर्शन करके। अगर आप लोग के पास टाइम है तो एक बार ये मंदिर जरूर विजिट करें, बहुत जल्दी यहाँ पे मनोकामना पूरा हो जाती है। तो अभी मंदिर से दर्शन करके निकल गए और हनुमान जी के हम लोगों ने मूर्ति उर्ति खरीद लिए, देख लो कितना प्यारा मूर्ति, हल्का फुल्का शॉपिंग करके अब जा रहे हैं घर के। और तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए से विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।